इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। आगरा के डीएम ने बड़ा बयान दिया है, ऑक्सीजन मॉक ड्रिल मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आगरा के पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है, साथ ही महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आगरा के पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। दरअसल यहां 22 मरीजों की मौत हो गई थी। एक वायरल वीडियो से बात सामने आई जिसमें मॉक ड्रिल के नाम पर ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी। तो ऑक्सीजन अस्पताल को सील करने के मामले में आगरा के डीएम ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं, वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने क्या सफाई दी और आगरा के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं। इनके वीडियो वायरल में दो चीजें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी, इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समान में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में, क्योंकि यह कृतकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। 28 अप्रैल की चर्चा है ये, तो 28 अप्रैल का पुराना वीडियो हुआ 1.5 महीना। सबसे पहले तो हमें मनसा पर सवाल खड़ा होता है, अगर आपके पास 1.5 महीने से पुराना वीडियो है तो आपने अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप कहाँ नेगोशिएट करते रहे, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया ये वीडियो 1.5 महीने से आपके पास अगर था तो? और इसमें हमारे यहाँ 26 तारीख में 27 तारीख में कोई 22 मौतें नहीं हुई है। 26 तारीख में कोविड 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है, 27 तारीख को 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है, जिसका डेथ ऑडिट सीएमओ कार्यालय में डॉक्टर ध्रुव को करा दिया गया है। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे इसमें से 4 डेथ हुई है। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरीली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ की कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। और सीधे आगरा का रुख करेंगे, हमारे से भी हर्षा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हर्षा, इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं अरिंजय जैन के कमरे में इस वक्त मौजूद हूँ। थोड़ी देर में वो हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया है, वो जो तमाम प्रक्रिया है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग एडमिट हैं यहाँ पे इस अस्पताल में, जो भी 55 पेशेंट्स हैं जो किस अस्पताल में मौजूद है, जो अस्पताल में एडमिट है, कुछ क्रिटिकल मरीज भी एडमिट है, उन अस्पतालों का, उन मरीजों का असेसमेंट किया जाएगा, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उस तमाम चीज़ों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा देती हूँ, जो संचालक है डॉक्टर अरिंजय जैन, वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में वो हमसे बातचीत करेंगे तो वो डिटेल बताएंगे कि आखिरकार वायरल वीडियो क्या कह रहे थे, मॉक ड्रिल का मतलब क्या था, 22 मरीज छट जाएंगे उसका मतलब क्या था। क्योंकि लगातार जो जांच है वो पुलिस की चलती रहेगी, जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे जांच करके अभी यहाँ से निकले हैं। थोड़ी देर में जो संचालक है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अस्पताल को आज शाम तक सील कर दिया जाएगा। हर्षा, जो अभी निकल कर सामने आया, जिस तरह से वीडियो से सामने आया, तो क्या मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी बेड्स में वो बंद कर दी गई थी? लेकिन आपको बताऊं रमन, कि यहाँ पे जो संचालक है वो समझाने के रहे, उन्होंने समझाया कि जो पूरा वीडियो था, ये वीडियो में मॉक ड्रिल का मतलब अलग तरीके से था, लेकिन मॉक ड्रिल का शब्द है उसको गलत तरीके से पेश किया गया, ये उनका तथ्य है। लेकिन मॉक ड्रिल हुई थी, ये बात सच है। और जो 22 पेशेंट्स को छटने की बात है वो अलग थी, उनका मतलब था कि 22 पेशेंट्स को अलग किया जाए, जो कि अति गंभीर है, उनका इलाज बेहतर तरीके से अलग तरीके से किया जाएगा, लेकिन उसको पेश गलत तरीके से किया गया, ऐसा कहना यहाँ के संचालक का है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने पूछा कि आगरा में 22 जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, यानी इस पूरे के पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और ये वायरल वीडियो जिसकी पुष्टि जी मीडिया नहीं करता।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर भी पहुंच गए थे अस्पताल के बाहर और उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों के बीच में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई की भी खबर आई थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा प्रियंका गांधी ने कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। पीएम को इसमें उन्होंने कोट करते हुए लिखा है, साथ ही लिखा सीएम को कोट करते हुए लिखा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। ये प्रियंका गांधी के ट्वीट हैं। तो अब जो खबर सामने आई उसके बाद से सब लोग हैरान है। हर्षा एक बार फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए। हर्षा बताइए इस वक्त क्या अपडेट है। जी अंजीत, मैं आपको बताऊं तो इस वक्त अपडेट यह है कि अस्पताल में जो तमाम चीजें हैं, जो मूवमेंट है, उस पर नजर रखी जा रही है। पुलिस जो है अस्पताल के पूरे वीडियो, जो वायरल वीडियो है, उसकी जांच कर रही है। लेकिन जो अस्पताल संचालक है डॉक्टर अजय जैन, उनका साफ तौर से कहना है कि वीडियो में कुछ गलत नहीं था। मॉकड्रिल और जो छटने वाली बात थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया, इसको कहा जा रहा है। और वो लगातार अब कैटेगरी में, यानी टेक्निकल आधार पर जो वीडियो है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात उन्होंने डीएम, एसएसपी और सीसीटीवी के सामने भी समझाई। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो की गई है अस्पताल पर वो ये है कि अस्पताल को सील किया जा रहा है और शाम तक अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। जितने कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, अभी यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। अस्पताल के बाद पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे जैसा हंगामा पहले देखने को मिला कांग्रेस के बीच और कार्यकर्ता और कर्मचारियों के बीच में, ऐसा ना देखने को मिले। ये सिचुएशन फिलहाल अस्पताल की हम लगातार जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं, उनका जो वर्जन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वो जो है, फिलहाल थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि जो पूरा है उसको प्रेजेंट बहुत गलत तरीके से किया अंजीत। लेकिन हर्षा, डीएम ये कह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले में हमने देखा कि ये बात सामने आई थी। डीएम ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो बात वहां वीडियो में कही जा रही है वो सही है, जबकि अस्पताल संचालक ये कह रहे हैं कि डेढ़ महीने बाद वीडियो क्यों सामने आया। देखिए यहाँ पे जितने अस्पताल के कर्मचारी कह रहे हैं कि किसी एक का अस्पताल से पर्सनल ग्रज था, जिसकी वजह से डेढ़ महीने बाद ये बात बाहर लाई गई। कल कई कर्मचारी जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अस्पताल को डेढ़ महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था और जब अस्पताल ने बात नहीं मानी तो ये जो वीडियो है उसको वायरल कर दिया गया। ये कहना अस्पताल के कर्मचारियों का है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, आगरा भारत अस्पताल के बाहर हंगामा, पीड़ित परिवार के लोग कर रहे हैं नारेबाजी। मौके पर मौजूद हैं कांग्रेस के नेता। अस्पताल के कर्मचारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। जब इस बात की जानकारी मिली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तो पहुंच गए अस्पताल के बाहर, नारेबाजी करने लगे। अस्पताल के कर्मचारी भी बाहर आ गए, हाथापाई हो गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अस्पताल कर्मचारियों के बीच में। हालांकि अब सील करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और बड़ी कार्रवाई होगी, डीएम ने कहा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के जमा है बाहर, साथ ही अस्पताल के कर्मचारी भी वहां हैं और दोनों के बीच झड़प हुई है। आगरा के पारस अस्पताल की यह घटना है, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया कि मॉक ड्रिल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद की गई और ये आरोप है कि जिसकी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब आदेश दिए गए हैं, जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और साथ ही साथ अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ी है। हर्षा, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या बता रहे हैं जो संचालक हैं? जी बिल्कुल, देखिए रमन, अंजीत हमारे साथ संचालक जुड़ चुके हैं। सीधे सर, सबसे पहले वीडियो को लेकर के क्या माना जाए, जो वीडियो में आप जो मॉक ड्रिल की और 22 लोगों की छटनी की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है सर? नहीं सर, प्लीज अलग नहीं बोल। अच्छा, आपके देखिए, मैंने अभी भी आपने सुना बताया, मैं फिर वही बातें गिनी चुनी दोहरा रहा हूँ। मॉक ड्रिल करने का मतलब ऑक्सीजन को बंद करना नहीं था। ये बात मैं बार बार कहूंगा, पूरी मजबूती से कहूंगा। और ना हमारे यहाँ 26 तारीख को सुबह 7 बजे 22 लोगों की डेथ हुई है। ये दोनों आरोप निरर्थक हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा देश प्रदेश, आपने देखा, आप लोगों ने दिखाया भी ऑक्सीजन की किल्लत को। दिल्ली की घटनाएं नहीं दिखाई आपने, गंगाराम की घटना नहीं दिखाई। लेकिन वहां सर ऐसा कोई वायरल वीडियो नहीं था जिसमें कोई अस्पताल के संचालक मॉक ड्रिल की बात कह रहे हो कि सप्लाई थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं, ऐसा कोई तो वीडियो नहीं आया ना सर? 5 मिनट के लिए भी सप्लाई बंद नहीं है, 5 सेकंड के लिए बंद नहीं है। मॉक ड्रिल शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का मतलब है हमें आईसीयू में भर्ती मरीजों को या अस्पताल में भर्ती मरीजों की मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट निकाल करके
अपनी आपूर्ति के हिसाब से अपना कंजप्शन करना है। हमारे पास आपूर्ति के हिसाब से कंजप्शन करने के लिए प्रयास किया है और वो मॉकड्रिल नहीं थी कोई। मॉकड्रिल से मॉकड्रिल का टर्म सर, जितना मेरी नॉलेज में है कि मॉकड्रिल का टर्म किसी चीज को जिसकी किसी चीज को लागू करने से पहले एग्जाम्पल के तौर पे किया जाता है। मुझे नहीं पता कि मेडिकल में आपका मतलब ये था कि ये कुछ और है। मेडिकल का मतलब और सिविल के मतलब अलग नहीं होंगे, मतलब एक ही है। मतलब ये है जैसे कोई मरीज हमारा 10 लीटर पे है, 10 लीटर ऑक्सीजन पे है, और अगर हम उसको एक कोशिश करते हैं कि 7 लीटर पे लाने की और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो पेशेंट 7 लीटर पे मेंटेन करता है, अपना सेचुरेशन मेंटेन करता है, उसको कोई हाइपोक्सिया के साइन डेवलप नहीं होते हैं, यानी वो पेशेंट 10 की जगह 7 पे भी खुश है। यानी कि आपने 9 लीटर से 7 लीटर या 6 लीटर कम किया ना मरीजों को ऑक्सीजन, सर ये जानने की कोशिश कर रहे हो। वो जुडिशियस यूज करने के लिए, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकने के लिए, ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत है, आपूर्ति लिमिटेड है, तो हमें आपूर्ति से अपना कंजप्शन मिला के रखना है जिससे किल्लत ना आ जाए, खत्म ना हो जाए। अरिंजन सर, डीएम सर ने कहा कि पाया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, बाहर जो परिजन उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो कौन सी वेस्टेज को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा देखिए, किल्लत तो पूरे प्रदेश में थी, देश में थी, क्योंकि कंजप्शन डिमांड मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण बहुत अधिक बढ़ गया था। तो हमें बार बार शासन से भी एक जुडिशियस यूज का एक हमारे आईएमए ग्रुप में आया था शासनादेश कि जुडिशियस एंड रैशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई एक L2 कैटेगरी का पेशेंट है जिसका बहुत माइल्ड कोविड है और वो 2 लीटर ऑक्सीजन पे लगा के बैठा हुआ है, 2 लीटर पे है ना। अब हम 2 लीटर ऑक्सीजन उसकी स्टॉप करें और उसको बोले आप प्रोनिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। क्या महामारी अधिनियम जैन सर ये कहता है कि आप ऑक्सीजन वेस्टेज को बचाने के लिए आप उसमें कोई मॉकड्रिल करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें? क्या महामारी के टाइम ऐसा कुछ होता है सर? एक्सपेरिमेंट जब होता है जब हम किसी को खतरे में डाल रहे हूँ, खतरे में नहीं। अब आज मान लो 4 तारीख को कोई पेशेंट एडमिट हुआ तो उसका ऑक्सीजन लेवल 10 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहा है, हमने उसको 24 घंटे ट्रीटमेंट दिया, उसको स्टेरॉइड मिला, रेमडेसिविर मिला, सपोर्टिव एंटीबायोटिक्स मिले, नेबुलाइजर्स मिले, तो उसका 5 तारीख को ऑक्सीजन लेवल हो सकता है 10 से घट के 8 पे आ जाए, 7 पे आ जाए। जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं उस दिन जितनी मौतें हुई? मौतें की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? पहली बात तो 26 अप्रैल को 7 बजे हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, बताते हैं यूपी के सहारनपुर से, जहां पर सरकारी हैंडपंप विवाद ने तूल पकड़ लिया। हैंडपंप दोबारा लगवाने की मांग कर रहे हैं लोग। हैंडपंप के इस विवाद में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने दोबारा लगाने की बात की है। विधायक मसूद अख्तर और नेता शादान मसूद को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। आज सुबह से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स बल के साथ मौके पर तैनात थे। कांग्रेस विधायक ने 40 साल पुराने उखाड़े गए हैंडपंप को लगाने की मांग को लेकर धरना दे दिया। वह इस मामले पर कल बजरंग दल ने थाने में हनुमान चालीसा पढ़कर हैंडपंप न लगाने की मांग की थी और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब कांग्रेस विधायक को हिरासत में लिया गया और दूसरी तस्वीर आपके सामने जब थाने के पास, थाने के बाहर बजरंग दल के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से हैंडपंप पे सियासत हो रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद हैं वहां पर, धरना दे रहे हैं कि हैंडपंप दोबारा लगाया जाए। तो जो हिंदूवादी संगठन है उनका कहना है कि हैंडपंप दोबारा नहीं लगेगा। थाने में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, भारी भीड़ जमा है। तस्वीरें सहारनपुर के बेहट की हैं। ये भीड़ जमा हुई है ताकि उखाड़ा गया हैंडपंप दोबारा न लग जाए। दरअसल हैंडपंप पर मजहबी जमात के लोग गंदगी फैलाते थे जिसके बाद हैंडपंप हटा दिया गया। 9 महीना हो गए, 9 महीना से मैं चेयरमैन के पास घूमे, आज कराएंगे कल कराएंगे नहीं कराए। फिर ऊपर मैं SDM प्रशासन के पास गए, परसों से हटाया गया, ये परसों हटाया, कल हटाया गया है। SDM के आदेश के बाद हैंडपंप उखड़ा तो आदेश के मुताबिक कांग्रेस विधायक मजहबी जमात के लोगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। ये प्रशासन ने वादा किया है कल हम 12 बजे से लगा देंगे लगाने का, ये नहीं लगेगा, ये प्रशासन ने आश्वासन दिया है।
कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने हैंडपंप दोबारा लगवाने का अल्टीमेटम दिया तो हिंदूवादी संगठन के लोग भड़क उठे, थाने पहुंच गए और हैंडपंप न लगाने की चेतावनी दे डाली। पीड़ित ने तो खुदकुशी की चेतावनी दे दी है। हम ये सोचते हैं जब यहाँ नल लगेंगे तो हम बच्चे अपने प्लान कर लेंगे, चाहे यहाँ सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड करके ये दिखावेंगे जो हमारे साथ में अन्याय हुआ, यहाँ ने सुसाइड कर लिया। विधायकों के दबाव में दोबारा हैंडपंप लगाने के आदेश देने वाले एसडीएम साहब ने हिंदुओं के विरोध के बाद हैंडपंप न लगाने की बात कही है। प्रशासन किसी दबाव में नहीं है, प्रशासन के लिए सर्वोपरि जनता का हित है, जनता के हित में जो सर्वोत्तम फैसला होगा प्रशासन वही लेगा। एसडीएम के आश्वासन के बाद फिलहाल मामला शांत है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में राशन योजना पर संग्राम के बीच सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। घर घर राशन योजना के मुद्दे पर लिखी है चिट्ठी, कृपया घर घर राशन योजना लागू करने दीजिए। ये कहा केजरीवाल ने, आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी साथ दीजिए। बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही, कोरोना काल में योजना पूरे देश में लागू हो। तो दिल्ली में राशन पर सियासत जारी है और अरविंद केजरीवाल ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अगर इस योजना का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो वो देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा है कि राशन योजना लागू करने दीजिए, आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है। यानी घर घर राशन पहुंचाने की ये जो दिल्ली सरकार की योजना है उसे लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने। बड़ी खबर आपको बता रहे, घर घर राशन योजना के मुद्दे पर लिखी है चिट्ठी, कृपया घर घर राशन योजना लागू करने दीजिए, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी साथ दीजिए। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कही है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, कोरोना काल में योजना पूरे देश में लागू हो, यह भी मांग की है कि सिर्फ दिल्ली क्यों, पूरे देश में लागू है योजना। और बड़ी खबर इस वक्त की एक और बता दें आपको, दिल्ली से पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इस दौरान बंगाल के सियासी हालात पर उनके साथ चर्चा होगी। शादी चुनाव के बाद 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्या के मामले में भी शुभेंदु जेपी नड्डा से बात करेंगे। आज सुबह उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की, शाम 5 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी, बंगाल की सियासी हालात पर चर्चा करेंगे शुभेंदु। और ये तस्वीरें तब की हैं जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। बंगाल में चुनाव के बाद लगातार पोस्ट वायलेंस की खबरें आ रही हैं और इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जहां उन्हें भरोसा मिला कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और अब शाम को 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो इस मुलाकात में अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि वो हर वक्त साथ खड़े। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, नड्डा से मिलेंगे शुभेंदु, राज्यपाल का भी एक्शन, 30 दिन में 40 हत्याएं हुई, राष्ट्रपति को भी बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की एक बस्ती में सरेआम तब कोहराम मच गया जब एक मकान पर पथराव शुरू हो गया। पुरानी रंजिश में दबंगों की टोली ने एक घर पर हमला बोल दिया जिसमें महिलाएं भी थीं। वीडियो अब वायरल हो गया है। मकान के अंदर लोग और बाहर से पथराव, इन लोगों के हाथों में ईंट पत्थर हैं जो इस मकान पर ताबड़तोड़ बरसाए जा रहे हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पथराव करने में पीछे नहीं थी। पथराव का ये सीन जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। घर के अंदर जो लोग थे उनका क्या हाल हुआ होगा उसका अंदाजा ये वीडियो देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये मामला है कौशाम्बी के कोखराज का, जहां सुभाष यादव नाम के शख्स के घर पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से लैस दबंगों की टोली ने धावा बोल दिया। जब दबंगों ने हमला बोला तब घर के अंदर सुभाष यादव, उनकी पत्नी और बेटी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। जिस मकान में सुभाष यादव रहते हैं उस पर प्रतिभा कुशवाहा नाम की महिला ने दावा किया और अपने साथ गुंडों की फौज लेकर वहां धमकी, लाठी डंडे से पिटाई करने के साथ साथ इन दबंगों ने पथराव भी किया जिसमें सुभाष यादव, उसकी पत्नी और बेटी को काफी चोटें आईं।
हमले की खबर आसपास के लोगों ने थाने को भी दी, जिसके बाद पुलिस वाले पहुंचे। कुछ हमलावर तो भाग गए, हालांकि तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीषण आग लग गई। आग के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लग गई। सुबह 8 बजे के करीब आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं के गुबार से आसमान काला हो गया। आग के कारण इंडस्ट्रियल इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए मुश्किल हो गया। केमिकल की फैक्ट्री है, जिसमें काफी भीषण आग लगी हुई थी। कुल 15 फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी प्रकार की कोई जनहान नहीं है। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल कर्मियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अब कूलिंग का काम चल रहा है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग कैसे लगी अभी इसकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।